एंटोनिम्स ध्यान रखिएगा, अगर सिनोनिम एंटोनिम में क्या आपको याद रहे कि बताना क्या है, एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है इसमें। सो ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी, क्रेविंग मतलब चाह, इच्छा, मोह, तृष्णा किसी चीज की, क्रेविंग है ना, आसक्ति, क्रेविंग। सो लाइक और क्रेविंग के जैसा ही हो गया। डिसकंफर्ट का मतलब होता है या कंफर्टेबल ना होना, थोड़ा आराम से ना होना, बेआराम। और कंप्लेसेंसी का मतलब होता है कि अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस होना कि मैं तो सब सब हो गया मेरा काम, अब कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रेविंग का आप ऑपोजिट बेस्ट यहां पे देखोगे तो डिसलाइक है, वन दी आंसर विल बी बी। सेकेंड वन, हिज राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर मतलब धुंधली, मतलब क्लियर नहीं है बात। अगर बात क्लियर नहीं है तो उसको हम ऑब्स्क्योर होना कहते हैं। ट्रांसलूसेंट वेग होता है, एम्बिगुअस होता है, इक्विवोकल होता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मीन द सेम थिंग, अनस्मोकी, वेग, अनसर्टेन, ऑल ऑफ दीज मीन द सेम थिंग। ऑब्वियस इज द बेस्ट ऑपोजिट फॉर ऑब्स्क्योर। ऑब्वियस होना बिल्कुल ऑब्वियस होना, क्लियर है कि क्या चीज है, ऑब्स्क्योर मतलब निश्चित ना होना, ऑब्वियस इज द बेस्ट आंसर। The achievements, because remember between antonyms, opposite. The achievements of the team have been monumental in the last 10 years. Monumental मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत बड़े अपने status में, अपनी हैसियत में बहुत बड़े, monumental, enormous, memorable, striking will all mean the same thing. काफी impressive होना, बढ़िया होना, unimpressive will be the best bet here. Unimpressive is the correct option. His frail appearance was considered a merit. Frail मतलब बड़ी नाजुक नाजुक सी, तो weak, delicate, both of them mean the same thing. Big मतलब होता है बड़ा, और उसका भी मतलब ही sturdy is the right option. Sturdy, ठोस, ठोस is the correct option here for opposite of frail. Frail का मतलब नाजुक. The novel depicts the hapless status of certain sections of society. Hapless मतलब जिसका कुछ नहीं किया जाता, इसकी सहायता नहीं, बेसहारा, हताश और बेसहारा, helpless, wretched, miserable, rural pretty much means the same thing. Wretched and miserable means the same thing as helpless. Rural is गांव का, पर जरूरी नहीं है helpless हो, but fortunate is the absolute opposite of it. कि आप अच्छी किस्मत वाला, fortunate होता है जिसकी किस्मत अच्छी हो, helpless is बुरी स्थिति, opposite हो गया उसका. Her ideas have always been eccentric. Eccentric का मतलब होता है strange, थोड़े अलग से, विचित्र प्रकार के, अलग से, हटके थोड़े, तो special, strange, local भी हो सकता है उसका, पर normal यहां पे दिया हुआ है, इसलिए normal is the absolute opposite of it. The land appears to be parched. Parched means that it is very dry and not filled with water, it is very dry and desolate. पार्च मतलब बिल्कुल सूखा हुआ होना, बहुत प्यासा होना इज पार्च. डेसिकेटेड, जैसे कोकोनट डेसिकेटेड होते हैं, श्रेडेड, उसको भी उसको डेसिकेटेड कहते हैं, बट यहां एब्सोल्यूट ऑपोजिट इज वेट, सेवेंथ सी, एब्सोल्यूट ऑपोजिट इज वेट. नाउ यू गॉट एट्थ, द न्यूली मेड रोड वॉज स्मूथ, स्मूथ आते हो गए, स्मूथ का ऑपोजिट होता है रटेड, और डेंजरस, वाइंडिंग और सिल्कन, अलग मतलब है पर एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है. स्मूथ का स्मूथ जो मतलब एकदम आप हाथ उसके फिराओ तो स्मूथ रहे, रटेड मतलब उसे थोड़ा खुरदुरा रहे. सो एट्थ का द बेस्ट आंसर इज ए. डेंजरस मतलब खतरनाक, वाइंडिंग मतलब थोड़ा इर्द गिर्द जाती हुई सांप की तरह, और सिल्किन का भी मतलब स्मूथ ही होता है, सिल्क जैसी. प्लेनिट्यूड इज वन मेजर कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. अच्छा, प्लेनिट्यूड होना चाहिए था यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है हमने, स्पेलिंग गलत दी हुई है इंडिया वालों ने. प्लेंटीट्यूड होता है, प्लेंटीट्यूड का मतलब बहुत ज्यादा होना किसी चीज का. प्लेंटीट्यूड इज वन मेजर कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा यूज करना. ऑपोजिट उसका इनसफिशिएंसी होता है, इनसफिशिएंसी मतलब पर्याप्त ना होना. अबंडेंस भी वही मतलब पर्याप्त होना, एम्पल मतलब जरूरत से ज्यादा, प्लेथोरा होता मतलब अलग अलग टाइप की चीजें, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स को प्लेथोरा बोलते हैं. तो इनसफिशिएंसी इज द ऑपोजिट ऑफ इट, एंड प्लेंटीट्यूड शुड बी द वर्ड हियर. Then we got a scholar quoted irrefutable evidence on for a thesis. Irrefutable मतलब जिसको मना ना किया जा सके, जिसको इनकार न किया जा सके. तो questionable इसका absolute opposite यहाँ पे आएगा, क्योंकि certain, undeniable और overwhelming तीनों ऐसी चीजें होने हैं जिनको मना ना किया जा सके. Overwhelming का मतलब होता है जो आपसे बर्दाश्त ना हो,
बर्दाश्त ना हो पाए, बर्दाश्त के बाहर ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग पेन हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चनेबल एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा, रिफ्यूटेबल का अनडिनाइबल और सर्टेन इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। ऑलराइट, नाउ वी मूविंग ऑन टू सिनोनिम्स ओनली। सिनोनिम्स बताने हैं यहाँ पे आपको, ऑपोजिट्स नहीं बताने हैं, उसके मतलब बताने हैं। मलाइन है यहाँ पे देखो, MALIGN, मलाइन करना किसी के नाम को, मतलब खराब करना किसी के नाम को, स्लैंडर का भी मतलब वही होता है। That is the correct option here. Sheila appeared to be vexed. Vexed मतलब displeased, वही कि बहुत ज़्यादा परेशान और खुश नहीं होना. Displeased is the best option here. Do not hold any preconception about people. Preconception मतलब पहले से जो आपने सोच, तो धारणाएं बना रखी हैं आपने अपनी, preconception जो भी आपके notions बने हुए हैं, धारणाएं आपके पहले की established हैं, जिसके आधार पर आप लोगों को judge करते हैं, notions भी कहते हैं उन्हें, जैसे मैंने बोला ही। All mortal elements are impermanent. Mortal होता है जो जीता है और मरता है, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको mortal कहते हैं। Mortal मतलब मृत्यु निश्चित वाला। तो opposite तो उसका immortal होता है, never ending, divinely, सब opposites हो गए उसके। Temporal मतलब भाई समय से बाध्य, समय में बाध्य, समय से सीमित, जैसे कि जीवन होता है, समय में सीमित होता है, आपके पास अनंत काल तक का जीवन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, हमारी सीधी जानकारी में तो नहीं है, बाकी इससे कहानियां लोग सुनाते रहे वो उनकी मर्जी है। The itinerary of the group's visits to the hills was given to everyone. Itinerary, जैसे आप भी विजिट करने जाते हो तो आप सोचते हो पहले कहां जाएंगे, फिर कहां जाएंगे, वहां से वहां की टिकट, वहां से वहां की टिकट, जो आपका पूरा ट्रैवल प्लान है, इसको itinerary कहते हैं। आपके ट्रैवल प्लान को, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी से वापस अपने घर पे, दैट इज वॉट itinerary इज। तो स्केड्यूल यहां पे हमारा बेस्ट बेट होगा, स्केड्यूल जिसको कह देंगे आइटिनरी। मेरे साथ बोलिए आइटिनरी, आइटिनरी, आइटिनरी। द एफर्ट वाज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। हार्नेस दो मतलब एक तो कंट्रोल, किसी चीज को अपने काबू में लाना और यूज करने के लिए, और हार्नेस वो भी होता है जो बांधते हैं आप घोड़े, गधे घोड़े और बैल वैल में, उनको अपने साथ ले जाने के लिए, फिर से वही काबू करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो हार्नेस हो जाता है। तो द एफर्ट वाज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर, कंट्रोल इज ऑलवेज बेस्ट हियर। 16th डी, एंड नंबर 17 द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमंस। फिकल मतलब निश्चित नहीं, कभी हां कभी ना, कभी ये कभी वो, कभी इसकी सुनी तो उसकी मान ली, उसकी सुनी तो उसकी मान ली, कोई एक स्थायित्व नहीं है, हमेशा डगमगाते रहते हैं अपनी सोच में, दैट इज व्हाट फिकल नेचर मींस, बिकॉज ऑफ ग्रेट इनोवेशन। सो वैसिलेटिंग इज द करेक्ट आंसर हियर, जैसे ऑसिलेटिंग होता है हिलते रहना, इधर से उधर जाते रहना। A, the flood situation during the monsoon this year was calamitous, मतलब बहुत दुर्घटना, बहुत दुर्दशा। calamitous मतलब दुर्दशा होना, catastrophic वही कि बड़ा भारी संकट, catastrophic, destructive। He was appointed as the honorary member of the team, honorary मतलब unpaid, जैसे वो होता है friendly role होता है उसमें movies में, कि उसके लिए पैसे नहीं मिलते, वो friendly role है, honorary member of the team होता है, इसको पे नहीं किया जाता, इट्स एन ऑनररी जॉब, ऑनररी टाइटल इन विच यू आर जस्ट गिवन एन ऑनररियम परहैप्स, नॉट पे। द चर्च डिसाइडेड टू एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शंस। एक्सकम्युनिकेट मतलब हटा देना, भगा देना, ऑस्ट्रसाइज कर देना, बेदखल कर देना, एक्सपेल कर देना। 20th सी इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस वी हैव, let's see, so you got to be successful, what it is as a human being, have you ever considered? So let's say, have you ever considered, sounds like could start with that, have you ever considered, kya kya s q p r r p sare options hai hamare paas, what it is to be successful as a human being, koi sense nahi make kar raha, s se start karna make sense kar raha hai, aur a hi hai jo s se start ho raha hai, so let's put the options there and confirm. Have you ever considered what it is to be successful as a human being? Question mark is. Have you ever considered what it is to be successful as a human being? कि एक इंसान के रूप में सक्सेस का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज्यादा पैसे होना, बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना, फिर खुश नहीं है अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, लड़ाई कर रहे हैं हर वक्त अपने रिश्तेदारों से, आपकी लड़ाई होती जा रही है, तो कैसे सक्सेस कहेंगे? वहीं कोई अगर गरीब है पर बहुत प्यार से रहता है अपने घर वालों के साथ, अपने शायद खाना उगा के ले रहा हूं पर ऐसा उसके पास बहुत सारा ना हो, गाड़ी ना हो, घर ना हो, ऐसा बड़ा आलिशान मकान, maybe they're living in the forest somewhere but are still healthy and have a very loving family, maybe that is success. Have you ever considered
what it is to be successful as a human being. Now we've got the 22nd one. Let's see again. We have R, R and S, S. R again, authoritative truth to be discovered and defended. It doesn't make sense that it will start with R. Many people today are willing to. It can start with S. Let's see. S, P and S, Q. Many people today are willing to. There is an all instance, a single. Doesn't make sense. Many people today are willing to surrender to the idea. Yes, this makes sense. Let's confirm. Many people are willing to surrender to the idea that there is an instance. In all instances, a single authoritative truth to be discovered and defended. Very good. तो बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार हैं अपने जीवन में कि हाँ कोई एक सत्य है जो एक सत्य है कोई एक सत्य है कि भाई किसी ने मान लिया कि कोई एक किताब सत्य है किसी ने मान लिया कोई एक धर्म सत्य है किसी ने मान लिया कोई कर्म सत्य है किसी ने मान लिया कुछ कोई और किसी की बात सत्य है कोई व्यक्ति सत्य है तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो मानना चाहते हैं कि हाँ एक कोई सत्य है पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो It's not necessary that there is one truth. Maybe our entire life is just meant to be dedicated to finding all the various kinds of truths there could be. All the various kinds of expressions that there could be. 23rd, let's see again, we have S, R and Q with which it can start. Let's see first, S, you will go endlessly. R, from one preacher to another. Q, kya keh raha hai? If you do not reflect and understand, maybe Q se shuru ho sakta hai, lekin Q, P, Q, R. If you do not reflect and understand for yourself the implications of death, QR, if you do not reflect and understand from one preacher to another, no. QP makes sense. Let's see QP ke baad wala aage samajh mein aa raha hai ki nahi aa raha hai. So QPSR, if you do not reflect and understand for yourself the implications of death, agar aap khud se nahi sochenge aur samjhenge ki mrityu ki kya prabhav hai, mrityu ka matlab kya hai, you will go endlessly from one preacher to another. To aap anant kaal tak ek से दूसरे ज्ञानी तक जाते रहेंगे कोई एक ज्ञानी पर जाएंगे दूसरे ज्ञानी पर जाएंगे किसी एक पर जाएंगे किसी दूसरे पर जाएंगे एक दूसरे से पूछते रहेंगे आपके क्या होना चाहिए जब तक आप खुद बैठकर अपने आप निरीक्षण नहीं करेंगे कि ये जीवन क्या है मृत्यु क्या है आपका उद्देश्य इस जीवन को जीने का क्या है सो बी आंसर इज द करेक्ट वन हियर शायद 23rd एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो द अदर 26 क्वेश्चंस 27 क्वेश्चंस Make sure that you understand each and everything that has been covered in these lectures. Please go back and revise. Go at a slower pace, faster pace, whatever you want. Do all the exercises along with it. The preparation that you're going through, the previous year question papers, etc. And make sure that you understand everything that is happening and whatever you don't, revise, rewind and watch again. The first question. Our greatest glory is not yeah, spotting errors. Spotting errors mein aapko batana hota hai ABC mein se kaun si error hai, agar kisi mein error nahi hai to D baat karenge. Our greatest glory is not in never falling, but in raising every time we fall. Yahan C mein galti hai. Raising nahi hoga, rising hoga. But in rising every time we fall, khud ko uthana. Basically ye keh raha hai ki hamari jo sabse badi shaan hai wo isme nahi hai ki hum kabhi gire na, par isme ki jab bhi gire hum khud ko utha saken. खुद को उठा सके रेजिंग होता है किसी और चीज को उठाना रेजिंग इस किसी और चीज को उठाना किसी और चीज को उठाने की बात नहीं है राइजिंग है यहाँ पे तो यहाँ पे वोकैबुलरी का पार्ट हो गया ये क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए रेज और राइज के बीच में क्या डिफरेंस है रहीम वर्ड्स अब ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ये हम लोग करेंगे जब वर्ब्स करेंगे लोग अलोंग द लेसन ऑल द 40 लेक्चर्स दैट वी हैव ऑल ऑफ दीस थिंग्स विल बी कवर्ड Raheem was one of that selected for the award. One of का हमने देखा था subject verb agreement में. One of is always followed by a plural. So that का plural क्या होता है? Those. Raheem was one of those selected for the award. Next. So Jeannie has met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago. Notice we're talking about the past. So Jeannie had met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago. So we see past tense had met. This monument happens to be one of the ओल्ड मॉन्यूमेंट्स इन द सिटी अभी एडजेक्टिव देखा हमने सुपरलेटिव डिग्री ये बताना चाह रहा है कि ये जो स्मारक है वो शहर में सभी स्मारकों में से सबसे प्राचीन है सबसे पुराना है तो सबसे पुराना के लिए ओल्ड क्या बन जाएगा ओल्डेस्ट दी ओल्डेस्ट दी सुपरलेटिव हमेशा दी के साथ लगता है द या दी के साथ डिपेंडिंग व्हाट द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विद इफ इट इज स्टार्टिंग विद अ स्पोकन वाउल We will pronounce it as D. If it is starting with a spoken consonant, we will pronounce it as a the. In the same way as a and an are used. So here, the oldest monument
comparative के साथ than लगता है positive में as और as लगता है as good as old as older than the oldest. 34th the we saw and then we have 35th Amit told to Divya that he would come with a reward for her. Now told is a transitive verb and is directly followed by an object. Amit told Divya. We don't need an agent of transition. We don't need a preposition in the middle of it. I did not tell to you. I spoke to you. I talked to you perhaps. I spoke with you as well. But tell, I tell you. I do not tell to you. To or any other preposition is not used after tell, since tell is a transitive verb. Alright, let's move on to our next question. 36. If you have asked me, if you have asked me for the truth, I would have told you at that time. So if you, for the truth, I would have told you at that time. Past ki baat ho rahi hai. So if you have asked me hoga, have jo hai wo present perfect tense ke liye use hota hai. Yahan pe had asked hoga. We will do tenses after verbs. We will give 3 days to tenses. We'll do simple tense. We'll give 4 days to tenses for us. We'll do simple tense one day. We'll do continuous one day. We'll do perfect one day. We'll do perfect continuous one day. All of that will be clear then. And in every tense, we will have the present, past and the future versions of it. The active and the passive as well. So that we are covering that part of the examination as well if it shows itself up. Here we must understand that we are talking about the past. Past ke liye perfect mein had lagta hai, had is used for present. If I will be the millionaire, I would eradicate poverty from the country. Acha, if I jo hai subjunctive mood hota hai, iska hamesha were lagta hai. Agar dusra statement jo baki ka statement past mein hai, to yahan milega past mein hai would laga hua hai, would is will hota, varna I will eradicate. So if I were a millionaire, or the millionaire, a millionaire. If I were a millionaire, agar main crorepati hota, I would eradicate poverty from the country. Main is desh se bhukhmari mita deta, garibi mita deta. Par sambhav nahi hai, crorepati kitne hain? Kitne crorepati hain? Unhone garibi mita di? Nahi mita paaye? Kaise mitayenge? Crorepati hain isliye kyunki garibi hai. Agar sabke paas baant diya jaye paisa ek saath, to dekho janvaron mein na koi crorepati hota hai na koi garib hota hai. Crorepati hain isliye kyunki garibi hai. करोड़पति मैं होऊंगा ही बनूंगा ही तभी जब गरीबी होगी. बिना गरीबी के करोड़पति नहीं हो सकते. एनीवे आप अपना अपना देखेंगे. 38 अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. अ बर्ड इन हैंड नहीं, अ बर्ड इन द हैंड. आर्टिकल मिसिंग है. आर्टिकल्स वी विल कवर मेबी द वेरी सिक्स फिफ्थ लेक्चर वंस वी आर डन विद द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच. The opportunity to attain foundational literacy and pursue an honest living, livelihood, must be viewed as basic right of every citizen. And लगेगा यहाँ पे honest दो H से शुरू हो रहा है, पर बोलने में कैसे शुरू होता है? O. Honest कहते हैं हम, है ना? Honest. Honest नहीं, H से नहीं शुरू होता है. H यहाँ पे silent है. तो इसलिए spoken vowel से शुरू हो रहा है, O से शुरू हो रहा है. कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, पीछे अ लगेगा एंड लगेगा, आप हिंदी में उसकी वर्तनी लिखिए, उसकी स्पेलिंग लिखिए. यदि वो स्वर से शुरू हो रहा हो तो वो एंड लगाएगा अपने पीछे, और अगर स्वर से, स्वर क्या है, आ आ ई ई ए ए उ ऊ ओ ओ, जो उसके मात्राओं वाले जो अक्षर हैं, यदि उसमें भी अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो ये रटने वाले कुछ शब्द है. ऑनेस्ट के बीच हमेशा याद रखिएगा एंड लगता है. दो देयर इज प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस. ऑलराइट, why is there no brother? अच्छा, progress for different directions क्यों होता है? Progress in different directions होता है. अलग अलग दिशाओं में बढ़ोतरी हो रही है, में प्रगति हो रही है, अलग अलग दिशाओं के लिए प्रगति नहीं हो रही है. Alright, let's move on to our last 10, which is idioms and phrases. सबसे पहला a queer fish. Queer होता है थोड़ा अजीब सा. So the answer here is a strange person. बड़ा विचित्र व्यक्ति. क्वीयर फिश, यहाँ पे फिश यूज किया जा रहा है, इडियम है, फ्रेज है, एक भाव है कहने का, फिगर ऑफ स्पीच है, थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज है. क्वीयर फिश आप किसी को कह रहे हैं, इसका मतलब आप बता रहे हैं कि वो बहुत अजीब सा विचित्र प्रकार का व्यक्ति है. ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड इज ईट वेरी लिटिल. ईट लाइक अ बर्ड, चलिए थोड़ा सा खाती है,
कोई अगर बहुत थोड़ा खाता है, कम खाता है, तो we can say that they are eating like a bird. They eat like a bird. बहुत कम खाते हैं. Lock horns. अच्छा lock horns कब? बैल वेल अपने सींग कब लड़ाते हैं? क्या हो रहा होता है? लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से. तो आप देखोगे यहाँ पे argue about something. जब आप argue कर रहे हो किसी से किसी बारे में, तो आप उसके साथ सींग लड़ा रहे हो. लॉक हॉर्न्स मतलब भाई सींग लड़ाना, सींग अटकाना एक दूसरे में. जैसे सांड वांड या कोई हिरन विरन एक दूसरे के लड़ाई में जब लड़ रहे होंगे एक दूसरे के साथ किसी मादा हेतु. वही लड़ाई होती है उसी वाली. जानवरों में लड़ाई मात्र कारण वही है. भोजन तो पर्याप्त है सबके लिए. जानवर के जो जंगल में जो जानवर जीते हैं, लड़ाइयां होती ही बैलों के बीच में गायों के लिए और हिरणों के बीच में हिरणियों के लिए है. अर्ली बर्ड. अर्ली बर्ड का क्या मतलब है? अर्ली बर्ड है फर्स्ट अराइवल. अर्ली बर्ड पासेस पता होंगे आप में से किसी को जो इवेंट्स और फेस्ट्स के शौकीन है. अर्ली बर्ड पासेस सस्ते मिलते हैं. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट अराइवल पासेस है कि जैसे जो सबसे पहले खरीद रहा है उसको सस्ते में मिल रहे हैं. तो अर्ली बर्ड अराइवल. बी इन द पिंक. पिंक हो रखा, कोई गुलाबी गुलाबी सा हो रखा हो, गाल गुलाबी, होंठ गुलाबी, anyway. तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि वो बहुत हेल्दी है, एक हेल्दी व्यक्ति है. टू बी इन द पिंक. टू बी इन द पिंक इज टू बी वेरी हेल्दी. हेल्थ से रिलेट कर रहे हैं. आपको पता है अभी आजकल मॉडर्न जमाने में हम लोग पिंक रिलेट करते हैं गर्ल्स के कलर से और ब्लू रिलेट करते हैं बॉयज के कलर से. बट देयर वाज अ टाइम व्हेन ब्लू वाज रिलेटेड टू वुमेन एंड पिंक वाज अ मैन्स कलर बिकॉज पिंक रिप्रेजेंटेड मसल्स, फुल मसल्स एंड अ लॉट ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी व्हिच रिप्रेजेंटेड स्ट्रेंथ. एंड ब्लू रिप्रेजेंटेड दोस ब्लू वेन्स, जो गोरी चमड़ी से वो नीली वेन्स दिखाई देती है लड़कियों की, जब बहुत पतली दुबली सी जो लड़कियां होती है उनकी वो नीली, तो वो उनकी फ्रेलिटी और उनकी नाजुकता और उनकी डेलिकेट का प्रतीक हुआ करता था. डेलिकेसी, उनके डेलिकेट होने का, तो फ्रेजाइल होने का. तो ब्लू बेसिकली विमेन का था और पिंक मेन मेन के लिए था, पुरुषों के लिए था. उसके बाद एक समय ऐसा आया जब ये चीज बदल गई. आज से कुछ हजार हजार साल पहले की बात है. रीड द हिस्ट्री अबाउट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो बी इन द पिंक टू बी वेरी हेल्दी. Then we have B in the running. B in the running is a good position to win. So B in the running for something matlab in a good position to win. So for example, he is in the running to be the next chief minister. Or he is in the running to be the next principal or the next chairman or whatever. To be in the running. 47th. We have a sea change. A sea change. You see? सी क्या हो गया यहाँ पे? समुद्र. अब समुद्र में बदलाव जो आता है एकदम से बदलता है मौसम समुद्र का. एकदम से आपको पानी बहुत सरल और समतल होगा और एकदम से बहुत ज्यादा बवंडर आना शुरू हो जाएंगे. तो सी चेंज उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं. अ कंप्लीट चेंज, एकदम से बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाना, पूरी तरह से परिवर्तन आ जाना. अ कंप्लीट चेंज. अ पर्ल ऑफ विजडम. Pearl of wisdom, ज्ञान का मोती जिसको हम कह सकते हैं. Pearl of wisdom, so yeah, an important piece of advice. कोई बहुत important piece of advice अगर किसी ने दी है तो आप कह सकते हैं it's a pearl of wisdom. Then we have be in the seventh heaven, सातवें आसमान में होना. सातवें आसमान में होना भाई, to be extremely happy, बहुत ज्यादा खुश होना. To be extremely happy. Be in the red मतलब उधार होना. To a money, to a bank. Be in the red. आपका जो खाता है वो रेड में चल रहा है, मतलब माइनस में चल रहा है, जीरो से कम. आप में से स्टॉक मार्केट अगर किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया तो आपको पता होगा कि उसमें भी नंबर्स जब दिखाते हैं किसी ऐप वैप में, पॉजिटिव में दिखाते हैं तो ग्रीन में दिखाते हैं, नेगेटिव में दिखाते हैं तो रेड में दिखाते हैं, डिक्लाइन दिखाते हैं तो रेड दिखाते हैं, इंक्लाइन दिखाते हैं तो ग्रीन दिखाते हैं. ऑलराइट, सो दैट्स दैट फॉर टुडे. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.